हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पर्पल शॉपिंग हॉल। और मैंने पर्पल से फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ शॉपिंग करने का, तो ये सब चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वरना हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने कौन सी शॉपिंग की है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो चीजें दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट टाइम ही शॉपिंग की है पर्पल से। इससे पहले मैंने कभी शॉपिंग नहीं की थी। कुछ जरूरी सामान था जो मैंने ऑर्डर किया था, तो मैं इसमें आपको सबसे पहले पेमेंट का बताना चाहती हूँ कि मैंने पेमेंट ऑनलाइन की थी और इन्होंने डिलीवरी के चार्जेस भी एक्स्ट्रा दिए थे कि हम घर तक आपके पार्सल को पहुंचाएंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है इसमें कि इन्होंने डिलीवरी के पैसे भी लिए हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, फिर भी मेरे घर तक मुझे पार्सल नहीं मिला। जहां पर इन्होंने, जो इनकी कोरियर सर्विस होती है, वहां के उनके ऑफिस से मुझे ये रिसीव करना पड़ा खुद जाकर, तो वो चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है कि आपको या तो एड्रेस ही नहीं पूछना चाहिए, फिर आपने एड्रेस किस लिए पूछा है। सब चीजें आप पूछ रहे हो, मतलब एड्रेस दे दो, ये दे दो, और डिलीवरी बॉय के बहाने कि मतलब पता नहीं यार, बहुत ज्यादा जो डिलीवरी बॉय का जो बिहेवियर था ना, बहुत बकवास था, बहुत ही बेकार उसका बिहेवियर था। तो खैर, अब ऐसा सब कुछ भी होता रहता है और मुझे ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना था। जब कुछ अच्छा होता है वो शेयर करती हूँ, जब कुछ गलत होता है तो वो भी जरूर शेयर करूंगी। और मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हो और फिर भी आप घर तक पार्सल को नहीं पहुंचा रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। ये तो बस एक छोटा सा जो मेरा एक फीडबैक था वो मैं देना चाहती थी। तो यहाँ पर है ये बॉक्स, इस तरह के बॉक्स में ये सामान रिसीव हुआ था मुझे। मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो शॉपिंग की है, सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो है सीरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनवाई बे का स्किन फिडेंट रेडियंट एस्ट्रो सोपर फेस सीरम है। इसका रिव्यू बहुत जल्द आप मेरे चैनल पर देखोगे। तो ये सीरम है, अभी मैंने इसे फिलहाल दो ही बार लगाया है क्योंकि मैंने अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, तो मैं अभी इसे सिर्फ दो ही दिन हुए मुझे लगाते हुए, तो अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूंगी कि मुझे कैसा लगा है ये सीरम। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गए थे। सेकेंड जो है ये है स्टे कुर्की का फाउंडेशन। ये स्टे कुर्की का लिक्विड फाउंडेशन है, इसकी काफी तारीफें सुनी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से मुझे मेरा परफेक्ट शेड मिल गया है। ये सब चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। पैकेजिंग इसकी आप देख सकते हो और ये ग्लास बोतल में आता है, और इसकी हेल्प से मैं आने वाले टाइम में काफी सारे मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप देख ही लेंगे। और इसका रिव्यू भी बहुत जल्द शेयर करूंगी आपके साथ। तो काफी अच्छा है, वैसे एक ही बार लगाया मैंने। और थर्ड जो प्रोडक्ट है ये है पर्पल बी यूर ऑन बी एफ एफ कॉम्पैक्ट विद एसपीएफ। तो ये पर्पल का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर भी परचेज किया है। और पैकेजिंग की अगर बात करूं गाइस, तो सारे प्रोडक्ट बहुत ही सेफली नाइसली पैक होकर आए थे, बबल रैप होकर आए थे, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है प्रोडक्ट्स को। काफी बार आपको टूटे हुए मिलते हैं प्रोडक्ट या खराब मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, आप देख सकते हो। पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस कॉम्पैक्ट पाउडर की, और इसका शेड भी काफी अच्छा है मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली है। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात ये लगेगा, इसमें मिरर भी मिल जाता है जो कि काफी ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। आपको मिरर मिल जाता है सफर में, एक्स्ट्रा से मिरर लेने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। साथ में इसको जो आपको ये एक स्पॉन्ज मिलता है लगाने के लिए, ये मुझे बिल्कुल बकवास लगा है, मतलब ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। इससे बेटर तो जो मेरा लैक्मे लूज पाउडर है उसका है स्पॉन्ज, वो काफी अच्छे से पाउडर लगा लेती हूँ उससे मैं, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। ये स्पॉन्ज इसका कुछ खास नहीं लगा है, बहुत ही लो क्वालिटी का है। साथ में इसके आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट भी मिलती है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई थी इसके ऊपर इस तरीके से, और ये पफ था। तो पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी है, सभी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और सभी चीज इसके ऊपर मेंशन भी की हुई है, ये देखिए। लास्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है एनवाई बे की रनवे मिनीस। ये लिपस्टिक ली थी मैंने, मिनी लिपस्टिक परचेज की थी और इसके शेड भी काफी अच्छे हैं। इसका रिव्यू भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम जैसे शॉपिंग की थी, तो मैं इसलिए ज्यादा सामान नहीं परचेज करना चाहती, तो यहाँ पर मैं खुद से परचेज करके देखना चाहती थी कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ही सामान परचेज किया है। और ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा सामान परचेज नहीं करना चाहती थी अभी, और देखना चाहती थी कि किस तरह के प्रोडक्ट है। तो इन लिपस्टिक का रिव्यू भी गाइज मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइज। तो काफी अच्छे शेड्स हैं इसके, और लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कि साइज में बहुत ही छोटी है, वैसे नाम भी इसका मिनीज है,
तो वो छोटी तो होनी ही थी। तो ये लिपस्टिक साइज में है, शेड्स बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आज की शॉपिंग यही थी और आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।